बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे है खैरियत से होंगे, आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह है बंद गोभी और प्याज के पकोड़े। ये बहुत अच्छे और जो है ना क्रंची से हमारे पकोड़े तैयार होंगे। इसे उर्दू में बंद गोभी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैबिज कहते हैं। तो मैंने ये 1 कप कैबेज का लिया है। आपने इसको बड़ा बड़ा ऐसे पतला पतला काट लेना है। और 1 कप प्याज, उनको भी ऐसे लच्छेदार आपने काट लेना है पतला पतला। और बेसन जो जितना मुझे चाहिए होगा उतना मैं डालूंगी। ये 1 प्याली बेसन की है। लेमन जूस 1 चम्मच लिया है मैंने। नमक आधी चम्मच। सब्ज मिर्च 3-4 मिर्चें मैंने काटी हैं छोटी छोटी। हल्दी 1/2 चम्मच। धनिया अपने हिसाब से आप डाल लें जितना आपको चाहिए। मेथी 1 चम्मच। साबुत मसाला 1.5 चम्मच। और चिली फ्लेक 1.5 चम्मच। और सूखा धनिया, ये साबुत धनिया है। और कॉर्नफ्लावर, ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के हैं। ये आगे मैंने आपके साथ वेजिटेबल पकौड़ों की भी रेसिपी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो पर जाएं, वो भी बहुत अच्छी और इजी सी रेसिपी है। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैं कैबेज डाल दूंगी। कैबेज को मैंने काट कर फिर धोकर रखा हुआ था। वैसे भी आपको कैबेज जो है ना खाने में इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए, ये अच्छी होती है। अब मैं प्याज डाल दूंगी, इसको भी मैंने धो के रखा था। आज काफ़ी जो है ना हमारी तरफ बर्फ है, तो मैंने सोचा कि पकौड़े बनाऊं और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूं। अब इसमें मैं सूखे मसाले सब डाल देती हूँ। आपने बेसन नहीं डालना, सिर्फ सूखे मसाले डालने हैं। जो धनिया है ना उसको मैं हाथ से मसल लूंगी, इससे जो है ना खुशबू अच्छी आती है। अगर आप ग्राइंड कर देना तो फिर उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती। इस तरह आप हाथों से पिसल कर इसको डालें। मैं धनिया इसमें डालूंगी। अब इसमें मैं लेमन जूस डाल दूंगी और मैं इनको मिक्स कर लूंगी। आपने पहले बेसन और कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, इसी तरह जो है ना मसाले को और कैबेज प्याज को इन सब को मिक्स करना है। ये पकोड़े जो है ना हमारे बहुत अच्छे क्रंची से तैयार होते हैं। अगर आपने मेरी चिकन पकौड़ों की रेसिपी नहीं देखी तो आप वो भी आप मेरी वीडियो पर जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। हल्दी से जो है ना खुशबू अच्छी आती है और पकौड़ों का कलर भी जो है ना अच्छा आएगा, इसलिए मैंने हल्दी डाली है। इनको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि जो है ना मसाले लगने से प्याज जो है ना अपना पानी रिलीज करता है। और फिर अगर आप सारे में पानी इसमें डाल देंगे तो फिर उसका हिसाब नहीं रहता। इस तरह जो है ना आप मिक्स करके फिर बेसन डालें तो फिर जो है ना पानी का हिसाब आपको पता चल जाएगा। मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालती हूँ। इसको आपने छान लेना है। मैं हमेशा बेसन जो कुछ भी डालती हूँ उसे ज़रूर छान कर इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं इसमें बेसन डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके, उसे भी छान लूँगी। थोड़ा होगा मैं भी इसमें ऐड करूँगी।
अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके फिर इसमें जितना पानी मुझे चाहिए होगा इसमें मैं डालूँगी। आपने आलू वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। ये बहुत लच्छेदार से जो है ना पकौड़े तैयार होंगे हमारे, और इसके साथ पुदीने की चटनी, वो भी मैं आपको रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरी वीडियो पर जाएं, वहाँ से वो भी आपको मिल जाएगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। पानी आपने एक ही तरह एक ही बार नहीं डालना है, ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा चला जाए, फिर आपको और बेसन डालना पड़ेगा तो फिर उसका टेस्ट नहीं आए, क्रंची सा बनेंगे पकौड़े। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैंने मसाला मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर नहीं है तो आप चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो है ना चावल ग्राइंडर में डालकर वो पीस लें, तो उससे भी जो है ना अच्छे और क्रंची से पकौड़े आपके तैयार होंगे। ऑयल जो है ना हमारा गर्म है और अब इसमें मैं पकौड़े डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेक श्योर करें आप चाहें तो आग से भी डाल सकते हैं। चूल्हे की आंच जो है वो मैंने मीडियम पे की हुई है ताकि हमारे पकोड़े जले नहीं। आपने मसाला जो है ना इसको उसी वक्त मिक्स करके बनाने हैं जब आप बनाना चाहते हैं। पहले बनाकर मसाला बना कर ना रखें, फिर जो है ना इसमें ज़्यादा जो है ना वाटर सा हो जाएगा, पानी सा, तो फिर अच्छे नहीं पकोड़े आपके तैयार होंगे। अब इनको मैं साइड चेंज करती हूँ। देखें माशाल्लाह, इनकी साइडों को आप चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चिकन और आलू, ये भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आगे। देखिए ये भी बहुत अच्छा जो है हमारा तैयार हो रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरी चैनल पर जाएं, इसका भी आपको ये भी वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने सोचा कि मैं साथ हांडी बना रही हूँ और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। तो एक तरफ मैंने हांडियाँ रखी, अब दूसरी तरफ मैंने मसाला तैयार किया पकौड़े पकौड़ों का, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जो है ना कुकिंग करना। मैं कुकिंग दो दो तीन तीन कुकिंग एक साथ ही कर लेती हूँ। अब मैंने गैस की आंच को ऊंचा कर दूंगी और इनको मैं जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक निकाल लूंगी। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया। ये जो है लच्छेदार से पकौड़े आपके तैयार होंगे और बहुत मज़े के। अब देखिए हमारे पकौड़े जो है वो तैयार हो गए हैं, इनका कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं आपको निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। पेपर टॉवल पे आपने इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह देखें हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं, कैबेज और ओनियंस वाले, और बहुत अच्छे और डिलीशियस तैयार हुए हैं। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ, देखें किस तरह क्रंची क्रंची जो है ना बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Oh!